इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के किसी भी कोने में कुछ हो जाए तो इसे किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ मोड़ना और उस तंजीम को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल रोजमर्रा की बात है। अब जब मरकज हुकूमत यानी मोदी हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहा तो अब PFI को निशाना बनाया जा रहा है। अब वैसे भी हाथरस मामला मुल्क भर में जेर बहस है। किसी तरह इस मामले को मुसलमानों की तरफ मोड़कर नफरत का माहौल बनाना इसका असल मकसद होता है। अब हर मामले को PFI को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश जारी है। इससे पहले भी बेंगलोर फसाद के लिए SDPI और PFI को निशाना बनाया गया था। वैसे भी मोदी हुकूमत के पास कोई नया एजेंडा तो है नहीं। राम मंदिर पर पिछले 20 साल से सियासत की गई और इस पर हुकूमत भी हासिल की गई। खासकर योगी हुकूमत को इस बात का इल्हाम हुआ है कि 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में फसाद बरपा करने के लिए बैरूनी ममालिक से इमदाद आई हुई है और इस तरह के इल्जाम भी कोई नई बात नहीं रही। तमाम इल्जाम के लिए जरूरी है कि कोई मुस्लिम तंजीम हो और अब PFI को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए हाथरस जाने के रास्ते में गिरफ्तार किए गए केरल के एक सहाफी, 2 PFI के कारकुन और एक दिगर शख्स पर राजद्रोह और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को मथुरा मकामी अदालत में पेश किए जाने के बाद इन चारों को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की पहचान मल्लापुरम के सिद्दीकी कप्पन, मुजफ्फरनगर के आतिकुर रहमान, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के तौर पर की गई है। यूपी सरकार और मरकजी हुकूमत के मातहत चलने वाली मीडिया इदारों ने दावा किया है कि हाथरस में मजहबी तशद्दुद भड़काने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी। यह पैसा भीम आर्मी और PFI को मिला था, लेकिन इस दावे को ईडी ने खारिज कर दिया है। वाज़ह रहे कि इस दावे को खारिज किया गया। अब सवाल यह उठता है कि सत्ता से सवाल या मोदी योगी हुकूमतों के खिलाफ बात करने वालों पर तो जल्द कार्रवाई होती है, पर इन फेक खबरों को फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इस तरह की फेक खबरों को चलाने वाले झूठे सहाफियों पर और हुकूमत के लोगों पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। हाथरस में मुजरिमों की हिमायत में पंचायत करने वाले लोगों के खिलाफ कोई मामला क्यों दर्ज नहीं किया जाता? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। राज्यसभा रुकन संजय सिंह पर स्याही फेंक कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शख्स को महज कुछ घंटे बाद ही थाने में बिठाकर क्यों छोड़ दिया जाता है? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। हाथरस की दलित बेटी जिसके असमत रेजी के बाद बेरहमी से कत्ल के बाद का बद किरदार होने का इल्जाम लगाकर फिर बदनाम करने की कोशिश करने वाले इख्तदार पर बैठे कायदों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। हाथरस के मुलजिम जेल से चिट्ठी क्यों भेज रहे हैं? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। हाथरस में पीड़िता के घर मिलने आने वाले सामाजिक कारकुनान, सियासी लीडरान को सर फोड़ने की धमकी देने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाता? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। हाथरस के मुलजिम पर UAPA या गद्दारी की दफाएं क्यों नहीं लगाई गई? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। हजार सवालों का एक ही जवाब है और वह है PFI। PFI यानी मुस्लिम। इतना बड़ा जुर्म हो गया और उसका आरोपी किसी उर्दू नाम वाले पर नहीं लगा, यह तो अनर्थ हो गया। इसलिए 4 नए बलि के बकरे तलाश किए गए। अब 2.5-3 साल में जमानत मिलेगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कोई कह रहा था कि हमारी अदालती निजाम यह है कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाएं, मगर एक बेगुना फंसना नहीं चाहिए। वाह क्या खूब कहा है। लेकिन मुलजमीन के हिमायत में पंचायती होती हैं। 4 युवाओं को फलाने तंजीम संगठन से जोड़कर उन पर UAPA लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, ऐसे कैसे इंसाफ मिलेगा? कुछ सालों बाद जब ये लोग जेल से बाहर आएंगे तब कहा जाएगा कि अदालत ने इंसाफ दे दिया है। आखिर बेगुनाह होकर भी जेल में क्यों रहना पड़ा? यह सवाल तब भी नहीं उठाया जाएगा। आज भी सैकड़ों नौजवान जेलों में बंद है। सैकड़ों नौजवानों को 4 साल से लेकर 10-12 साल तक जेलों में रखकर बेगुनाह बताया गया। क्या यही इंसाफ है? देश के संविधान को मजबूत करना है तो अदालती निजाम को मजबूत करना होगा, वरना यूं ही बलि के बकरे बनते रहेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।